अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है बारबेक्यू। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। बारबेक्यू मसाला है हमारे पास 2 टेबल स्पून, ऑरेंज रंग है जर्दे वाला 1 टी स्पून, सूखा धनिया है हमारे पास 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला है हमारे पास 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च है दाढ़ा हमारे पास 1 टीस्पून, नमक है 2 टेबलस्पून, काली मिर्च है 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, लेमन है हमारे पास 3 अदद, सब्ज़ मिर्च हमने पीस ली थी 3 अदद, अदरक है हमारे पास 3 टेबलस्पून, लहसुन है हमारे पास 3 टेबलस्पून, दही है हमारे पास 1/2 कप, ऑयल है हमारे पास 2 टेबलस्पून, सिरका है हमारे पास 2 टेबलस्पून और चिकन है हमारे पास 3 kg। अब हम इसे एक बाउल में डाल के मिक्स करते हैं। हम इसे एक खुले बर्तन में मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम लेमन निचोड़ लेंगे हाथ पे ही रख के, भीज ना जाए इसमें। अब सिरका जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। मसालों को मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं। ऑयल जाएगा इसके साथ ही। अपना दही डालेंगे। फिर हमें मिक्स करना। अब डालेंगे इसमें चिकन। लेग पीस को मैंने कट लगा लिया था, 3-3 कट लगाए ऐसे करके, इसके अंदर टेस्ट अच्छी तरह जाएगा। इसी तरह हम अपना चिकन डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारा एक साथ नहीं डाल रही हूँ। ऑयल डालने की वजह यह है कि इसके मसाले इसके साथ अटैच रहेंगे। अगर सारा चिकन हम एक साथ डाल देते तो इस तरह हम मसाले अच्छी तरह मिक्स ना कर सकते। थोड़े थोड़े करके डालें। इस पॉइंट पे आप इसमें चेक कर लें, नमक मिर्ची कोई चीज़ कम लगे तो डाल सकते हैं, इसके बाद आप नहीं डाल सकेंगे। सर्दियों का सीज़न है, इसे मसाले लगाने के बाद मैं बाहर ही रहने दूंगी, फ्रिज में नहीं रखूंगी। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो इसे फ्रिज में रखें, मैं इसे फ़िलहाल बाहर ही रखूंगी। इसे हम क्या मैं 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे और 2 से 3 घंटे के बाद मिलते हैं। इस चिकन हमारे को 2 घंटे हो गए हैं, कोयले हमने जला लिए, आग हमारी जल रही है। अच्छी तरह कोयले जल जाएंगे तो फिर हम बारबेक्यू की सीखों को लगा के तो इसके ऊपर रखेंगे। हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था 2 घंटे के लिए, पूरा हो चुका है। अब हम इसे लगाएंगे अपनी सीख पे। तो स्टार्ट करते हैं लगाना। ऐसे करके हम लगा लेंगे चिकन के पीस। एक सीख पे 3 जाएंगे, जो स्टैंड है उसके ऊपर मिड में 3 तक ही आएंगे। ऐसे करके रखते जाएं। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतना आपका मसाला जो है अच्छी तरह टेस्ट
इसका आएगा। तीन तीन पीस में लगा रही हूँ इस पे, दरमियान में आधी साइड बाहर जाएगी एक साइड से। इसी तरह बाकी सीखों पे भी हम लगा लेंगे। चिकन का हमेशा दरमियान से आप जो है हिस्सा सीख के अंदर रखें, जैसे कि मैं रख रही हूँ यूं करके। यूं लिया इसकी इस साइड दरमियान वाली ली, यूं सीख के अंदर रख दी। इसी तरह फिर हमने चिकन का दरमियान किया, ये वाली साइड ठीक नहीं लगी, हम इसे उतार के दोबारा सेट कर लेंगे, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। ऐसे ऐसे ही करके हम अपनी बारी बारी सारी सीखों को तैयार कर लेंगे। सारे सीखों पे हमने चिकन लगा लिए, अब हम इसे रखेंगे कोयलों पर। तो चलते हैं, माशाल्लाह से कोयले हमारे जल चुके हैं, अब हम रखेंगे इन पे सीख, जो कि मैंने आपको बताया था कि चार चार पीस डालें, वो इस लिहाज से थे अपने स्टैंड को देख के, साइड भी चेंज करनी है कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ज़्यादा पीस नहीं लगाने। बारी बारी करके हम सारे पीस रखते जाएंगे। नमक मिर्च आपके अपने टेस्ट के मुताबिक है, आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइसी कर लें। अब हमने इसको थोड़ी थोड़ी हवा देनी है, बिल्कुल कम, ज़्यादा तेज़ की तो एकदम ये तैयार हो जाएगा और कच्चा भी रह जाएगा और कलर भी ज़्यादा आएगा। इसको हीट खुद ब खुद मिलती रहेगी, जब थोड़ा कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज करेंगे, कब चेंज करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम इन्हें 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे। ये सीख है, इससे अगर आपको कोयले आगे पीछे करने हैं कहीं कम ज़्यादा हैं तो कर सकते हैं, सीख अंदर दे के ये चेक करें। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, जब कलर आ जाएगा तो साइड चेंज करेंगे इसकी। कोयलों पे जो बारबेक्यू किया जाता है इसका मज़ा अपना ही है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू तो इसकी स्टार्ट में ही आना शुरू हो जाती है। अब चेक करते हैं, जिस जिसको कलर आ चुका है उसकी साइड चेंज करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस पर कलर आ चुका है, ये चेक करें। इसी तरह हम अपनी साइड सारों की चेंज करते जाएंगे। साइड हमने चेंज कर ली है और साथ साथ इसको हवा दे रहे हैं हल्की हल्की। अब जब दोबारा कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड चेंज करेंगे, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल लुक देने के लिए। साइड हमने चेंज कर ली थी, अब हम इस पर लगाएंगे कलर। मैं इससे लगा रही हूँ ब्रश से, आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू से भी लगा सकते हैं। ऑयल लिया एक साइड पर लगाया, जब दूसरी साइड हम चेंज करेंगे तो तब लगाएंगे। ऑयल से ये होगा कि एक अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। ऐसे करके हल्का हल्का बारबेक्यू तैयार हो चुका है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।